हेलो फ्रेंड्स, आज हम आपके सामने लेके आए हैं कंपोनेंट ऑफ डेटाबेस। पिछले वीडियो में आपने देखा था कि इंट्रोडक्शन ऑफ डेटाबेस में आपने कुछ बेसिक कॉन्सेप्ट के बारे में सीखा, डेटा, इंफॉर्मेशन, नॉलेज, डेटाबेस यूजर्स, टेबल्स, रिकॉर्ड्स, इन सब के बारे में आपने पढ़ा। ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं। अब हमारे पास नेक्स्ट टॉपिक आता है कंपोनेंट ऑफ द डेटाबेस। कंपोनेंट्स को कह सकते हैं द पार्ट्स, कि भैया भाग क्या है, इनके पार्ट्स क्या हैं। डेटाबेस जब बनता है तो वो कौन कौन से तरीकों को यूज़ करता है, क्या क्या उसको चाहिए बनने के लिए, क्या क्या चाहिए उस डेटाबेस यूज़र्स को एक डेटाबेस को बनाने के लिए। तो ये हमारे पास कुछ टॉपिक्स निकल रहे हैं। सबसे पहला आ गया हार्डवेयर। कंप्यूटर की भाषा में कहें तो कंप्यूटर की भाषा में अगर हार्डवेयर की बात करें तो हार्डवेयर एक ऐसा पार्ट होता है, ठीक है, जिसे हम छू सकते हैं, देख सकते हैं। मीन्स कंप्यूटर का ऐसा, कंप्यूटर में वो सभी पार्ट्स जिन्हें हम आसानी से देख सकते हैं, छू सकते हैं, वो हार्डवेयर कहलाता है। अब डेटाबेस में हार्डवेयर का क्या कॉन्सेप्ट है, कि जब भी डेटाबेस में हार्डवेयर, जब हार्डवेयर की बात की जाती है तो डेटाबेस को स्टोर किया जाता है। जब हम उसको टाइप कर लेते हैं, ठीक है, बना लेते हैं, तो हमें क्या है, हमें कुछ स्टोरेज डिवाइस की ज़रूरत होती है। तो वो स्टोरेज डिवाइस हमारे पास हार्ड डिस्क हो गई, CD हो गई, पेन ड्राइव हो गई, ये सारी क्या स्टोरेज डिवाइस हैं। किस तरीके लिए, ताकि हम उसमें डेटाबेस को स्टोर कर सकें। ठीक, हमारे अगर लैपटॉप की बात करें, अगर हमारे पास लैपटॉप है तो उसमें हमने क्या कर रखा है, हमारे पास 50 मूवी हैं, ठीक है, हमारे पास 500 MP3 सॉन्ग्स हैं, तो हमने क्या कर रखा है, उनको अलग अलग फोल्डर बना रखा है, ठीक है, अलग अलग कलेक्शन बना रखा है, लेकिन वो सारी चीज़ें हैं कहाँ पर स्टोर, हार्ड डिस्क में तो स्टोर है। ठीक, आपके पास एक पेन ड्राइव है, पेन ड्राइव में आपके पास 4 मूवी स्टोर हैं, 10-15 वीडियो आपने स्टोर करके रखे हुए हैं, तो वो भी क्या है, वो भी डेटाबेस की फॉर्म है। ठीक, और उसके लिए भी वो सभी वीडियोस जो हैं वो भी एक स्टोरेज डिवाइस का यूज़ कर रहे हैं अपने आप को होल्ड कर रखने के लिए। इसलिए यहाँ पे कॉन्सेप्ट यूज़ होगा हार्डवेयर का, ठीक है। और जब हम हार्डवेयर की बात करते हैं डेटाबेस के माध्यम से, तो इसमें जब इनपुट किया जाता है तो कीबोर्ड माउस का यूज़ किया जाता है, तो उस कंडीशन में जितने भी हार्डवेयर पार्ट्स होते हैं डेटाबेस के माध्यम में, ठीक है, वो सभी कंपोनेंट बन जाते हैं किसके, डेटाबेस के। नेक्स्ट आता है सॉफ्टवेयर। सॉफ्टवेयर कंप्यूटर की भाषा में कहा जाए कि भैया कंप्यूटर का ऐसा पार्ट जिसे हम देख तो सकते हैं लेकिन छू नहीं सकते, दैट इज़ सॉफ्टवेयर। ठीक है, हम लोग एंड्रॉयड मोबाइल यूज़ करते हैं तो एंड्रॉयड मोबाइल में हमको पता है बहुत सारी एप्लीकेशंस होती हैं जिन्हें हम क्या करते हैं, टच करते हैं, वो एप्लीकेशन ना वर्क करना स्टार्ट कर देती है। ठीक है, जिन्हें हम से देख सकते हैं हम उसको छू नहीं सकते, दैट इज़ सॉफ्टवेयर। अब सॉफ्टवेयर का फॉर्मेट डेटाबेस की भाषा में क्या है, हम यहाँ पे सिंपल सा एग्जांपल लेके चलते हैं। ठीक है, हम लोग जो मोबाइल यूज़ करते हैं, मोबाइल में आपके पास एक कॉन्टैक्ट लिस्ट होती है। ठीक, कुछ कॉन्टैक्ट लिस्ट क्या होती हैं, जैसे कुछ मोबाइल में कॉन्टैक्ट्स आपको किसी बंदे का सेव करना है, ठीक, होगा क्या, वहाँ पे फर्स्ट नेम लास्ट नेम मोबाइल नंबर सपोज ये 3 इन्फॉर्मेशन दे रखे होंगी कुछ मोबाइल में, क्योंकि मोबाइल में क्या है, एक सॉफ्टवेयर के फॉर्म में हम उस बंदे का मोबाइल नंबर ऐड करते हैं। अच्छा, कुछ मोबाइल में क्या होगा, कुछ फॉर्मेट ऐसे दे रखा होगा कि नेम मोबाइल ईमेल एड्रेस, ठीक है, तो यहाँ पे हमें एंट्री करना है, हम यहाँ पे एंट्री कर रहे हैं। तो कहने का मतलब क्या है कि जब डेटाबेस को सॉफ्टवेयर के माध्यम से वर्क करा रहे हैं और एज अ कंपोनेंट, तो एक फॉर्मेट सॉफ्टवेयर का एक फॉर्मेट हमको ऐसा मिल रहा है जिसमें हम किसी बंदे का मोबाइल नंबर जब ऐड कर रहे हैं तो हमारे सामने से 3 ऑप्शन आ रहे हैं, ठीक है, उस मोबाइल में फर्स्ट नेम लास्ट नेम मोबाइल नंबर, ठीक है, हमने ऐड कर दिया, खत्म। वहीं उसी बंदे का हम दूसरे मोबाइल में जब कॉन्टैक्ट सेव कर रहे हैं, ठीक है, मैं बाकी दूसरी कंपनी का भी मोबाइल है, तो वहाँ पे जो है वो फॉर्मेट कैसा आ रहा है, वो फॉर्मेट ऐसा आ रहा है, नेम भी है, ठीक है, वहाँ पे सिर्फ नेम है, इसलिए मैंने क्या था, फर्स्ट नेम लास्ट नेम था, मोबाइल नंबर भी है, ईमेल आप ऐड कर सकते हैं, ठीक है, और एड्रेस आप ऐड कर सकते हैं। तो दैट इज सॉफ्टवेयर, फॉर्मेट ऑफ सॉफ्टवेयर इन कॉन्टैक्ट डेटाबेस एज अ कंपोनेंट, ठीक है। तो हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर ये 2 कंपोनेंट हैं जो डेटाबेस को जब हम बनाते हैं या डेटाबेस को जब हम वर्क करते हैं तो हमारे लिए यूज़फुल होते हैं।
अब बात आ गई डेटा। डेटा के अंदर हम डेटा के बारे में पिछले वीडियो में पढ़ चुके हैं, ठीक है। तो जो मैटर हम वहाँ पे डिस्कस कर चुके हैं वही मैटर हमको यहाँ पर भी उसी डेटा के कॉन्सेप्ट को यहाँ पर भी यूज़ करना है। इसमें हमारे पास एक एक्स्ट्रा टॉपिक आया है, नाम है मेटा डेटा। मेटा डेटा में कहा गया है, एक सिंपल सा लाइन है कि डेटा के बारे में डेटा बताना, दैट इज मेटा डेटा। जैसे हम क्या कर रहे हैं, यहाँ पे हमने कोई शॉपिंग ऑनलाइन शॉपिंग साइट खोली है, ठीक है। हम किसी मोबाइल के बारे में सर्च करते हैं, ठीक है। तो मोबाइल के बारे में सपोज आप किसी वीवो मोबाइल के बारे में सर्च कर रहे हो, ठीक है। तो वो वीवो मोबाइल के मॉडल पे जैसे ही आप क्लिक करोगे तो स्क्रीन पर आपको उस मोबाइल की सारी इन्फॉर्मेशन मिल जाएगी, ठीक है। तो ये जो इन्फॉर्मेशन आपके पास स्क्रीन पर दिखाई दे रही है ये कहाँ से दी गई है, ये मेटा डेटा से दी गई है, ठीक है। मेटा डेटा में सभी वीवो मोबाइल की इन्फॉर्मेशन को स्टोर किया गया है, किस फॉर्म में, मेटा डेटा की फॉर्म में। और आपने क्या किया, आपने कहा कि भाई मेरे को इस मॉडल का मोबाइल नंबर की जानकारी चाहिए, आपने टाइप किया, तो मेटा डेटा से वो डेटा प्लस इन्फॉर्मेशन निकल के आ गई जो आपके स्क्रीन पर दिखाई देती है, ठीक है। तो क्या हुआ कि उस प्रोडक्ट की इन्फॉर्मेशन जो आप स्क्रीन पर देख रहे हो वो भी स्टोर है और आपको वो दिखाई भी दे रही है। आपने जैसे ही दूसरे प्रोडक्ट की इन्फॉर्मेशन डालोगे, दूसरे मॉडल की इन्फॉर्मेशन डालोगे, अब वो इन्फॉर्मेशन हट जाएगी, मेटा डेटा में जाके स्टोर हो जाएगी जो आप देख चुके हो। उसके बाद जैसे ही आपने दूसरा मॉडल डालेंगे तो दूसरी इन्फॉर्मेशन आपके सामने ऐड होके आ जाएगी स्क्रीन पर, आपको दिखाई देने लगेगा फीचर्स, कैमरा वगैरह सब आपको दिखाई देने लगेंगे। तो दैट इज़ क्या, दैट इज़ मेटा डेटा। एक डेटाबेस पूरी तरीके से सभी मोबाइल की इन्फॉर्मेशन का स्टोर है, वो हो गया मेटा डेटा। उसमें से आप एक मॉडल को निकाल के स्क्रीन पर देख रहे हो, दैट इज़ डेटा। इसलिए इसको कहा गया है कि डेटा के बारे में डेटा, डेटा के बारे में डेटा प्रोवाइड करना, मीन्स मेटा डेटा से कोई डेटा आपको चाहिए। तो ये कौन प्रोवाइड कर रहा है मेरे को, मेटा डेटा एज अ कंपोनेंट। क्यों, क्योंकि जब डेटाबेस की बात कर रहे हैं तो डेटाबेस को जब हम बना रहे हैं तो हमको एक स्टोरेज डिवाइस की ज़रूरत है, मींस एक हार्डवेयर फॉर्म की ज़रूरत है। और किस फॉर्मेट में बना रहा हूँ, मींस एक सॉफ्टवेयर फॉर्म की ज़रूरत है। और जब बना लिया तो मेटा डेटा का क्या कॉन्सेप्ट है कि डेटा के बारे में आपको सारी जानकारी निकाल निकाल के देना। नेक्स्ट आया प्रोसीजर। प्रोसीजर का मतलब होता है शेड्यूल, काम करने का तरीका, ठीक है। जब MS Excel MS Word यूज़ करते हैं तो वहाँ पे क्या होता है, वो सभी, ये ऐसा पैकेज है जो सभी लोग आसानी से यूज़ कर सकते हैं, किसी तरह के पासवर्ड वगैरह की कोई रिक्वायरमेंट इसमें नहीं होती है। एक्सेल भी एक तरीके से डेटाबेस का बहुत अच्छा एग्जाम्पल है, बहुत अच्छा पैकेज है, जिसमें ज़्यादातर ऑफिस कंपनियों में जो इंफॉर्मेशन बल्क में स्टोर की जाती है वो एक्सेल पर भी स्टोर की जाती है, ठीक है। लेकिन एक्सेल में क्या है, उसको आप कोई भी बंदा उसको बहुत आसानी से यूज़ कर सकता है, देख सकता है, ठीक। लेकिन अगर एक्चुअल हम डेटाबेस की बात करें तो डेटाबेस की जब बात करते हैं तो इसमें दो कॉन्सेप्ट आते हैं, लॉग इन एंड लॉग आउट। ये दोनों वर्ड आपसे बिल्कुल भी अनजान नहीं होंगे कि लॉग इन लॉग आउट, क्योंकि हम सभी लोग क्या हैं, दिन भर सोशल साइट से बहुत एक्टिव रहते हैं। तो फेसबुक हो गया, इंस्टाग्राम हो गया, इन सब पे क्या होता है, हमको अपना रजिस्ट्रेशन कराना पड़ता है। रजिस्ट्रेशन मतलब छोटा सा फॉर्म टाइप का भरते हैं, फर्स्ट नेम लास्ट नेम, तो हमको एक यूज़र आईडी और एक पासवर्ड क्रिएट करने को मिलता है। तो वो यूज़र आईडी पासवर्ड क्या हो गया, वो आपका लॉग इन एंड लॉग आउट होता है। ईमेल हम लोग यूज़ करते हैं तो ईमेल में क्या होता है, हमको एक ईमेल आईडी मिलती है, ठीक है, और उसका हम पासवर्ड जनरेट करते हैं। तो जब हम ईमेल ओपन करते हैं सबसे पहले हमारे पास एक आता है, भाई यूज़र आईडी एंटर कीजिए और पासवर्ड एंटर कीजिए, और नीचे उसमें लिखा होता है लॉग इन, मीन्स यूज़र आईडी पासवर्ड एंटर किए बिना आप उस ईमेल आईडी को, अपनी ईमेल आईडी को ओपन नहीं कर सकते हो, उसमें जो जो ईमेल्स हम आप नहीं देख सकते हो, ठीक है। लॉगिन करने के बाद हुआ क्या, अब आपने जो अपना वर्क कंप्लीट कर लिया तो आपको लॉग आउट भी करना होता है। तो दैट इज प्रोसीजर, ठीक है। प्रोसीजर मतलब कि डेटाबेस पे काम करने का एक तरीका होता है कि आपको लॉगिन भी करना है सही तरीके से, और आपको जब आपका वर्क फिनिश हो जाए तो आपको लॉग आउट भी करना होगा सही तरीके से। नेक्स्ट आ गया डेटाबेस एक्सेस लैंग्वेज। डेटाबेस एक्सेस लैंग्वेज में यूज़ होती हैं कमांड्स, ठीक है। जैसा कि मैंने आपको बताया था, जब डेटाबेस बनाया जाता है तो वो टेबल के फॉर्म में बनाया जाता है, ठीक है। उस टेबल में आपको बहुत सारे रिकॉर्ड्स मिलते हैं, बहुत सारी फील्ड्स आपको अरेंज करनी होती हैं और या मिलती भी हैं। तो उन सभी रिकॉर्ड्स, उन सभी डेटाबेस की टेबल में से कुछ रिकॉर्ड्स मेरे को एक्सेस करने हैं, ठीक है। हमें चाहिए कि भाई एक स्कूल में हम गए तो वहाँ पे भाई सभी क्लास के स्टूडेंट्स के रिकॉर्ड्स कंप्यूटर में स्टोर हैं। अब हमने कहा कि भाई एक काम करिए, हमें 8th क्लास के जितने भी बच्चे लड़के लड़कियां हैं उन सब की इन्फॉर्मेशन आप दीजिए, ठीक
ठीक है। तो नॉर्मली एक्सेल वगैरह में तो हम इसको यूज़ करेंगे नहीं, लेकिन एक्चुअली जब डेटाबेस की बात आती है तो वहाँ पे स्ट्रक्चर क्यूरी लैंग्वेज का यूज़ करते हैं, जिसमें हमें बहुत सारी कमांड्स होती हैं डेटा को इंसर्ट करने के लिए, डेटा को रिट्रीव करने के लिए, डेटा को रीनेम करने के लिए, ठीक है, और डेटा को फैच करने के लिए। कौन से डेटा को? जो डेटा टेबल में स्टोर है। सपोज मैंने स्टूडेंट्स की एक लिस्ट बनाई है एसक्यूएल लैंग्वेज का यूज़ करके, हम उसमें एक नए स्टूडेंट को ऐड कर रहे हैं, एक दो स्टूडेंट्स को डिलीट भी कर रहे हैं, ठीक है। तो यहाँ पर यूज़ होती है डेटाबेस एक्सेस लैंग्वेज, किस लिए? ताकि जो आपने डेटाबेस बनाया है उसमें सही तरीके से जब प्रोसीजर का वर्क कंप्लीट हुआ, हमने लॉगिन कर लिया, अब मेरे पास डेटाबेस की टेबल आ गई है, हमारे पास कुछ ब्लैंक टेबल भी आ गई हैं, तो नए डेटा को बनाना है तो आपको कुछ कमांड्स यूज़ करनी पड़ती हैं, आपको डेटा को डिलीट करना तो भी आपको कुछ कमांड्स यूज़ करनी पड़ती हैं। तो ये सारी कमांड्स क्या हैं? ये हमको कौन प्रोवाइड कर रहा है? डेटाबेस एक्सेस लैंग्वेज प्रोवाइड कर रही है, ठीक है। तो ये हमारे पास छोटा सा टॉपिक था, कंपोनेंट ऑफ डेटाबेस। इसको आप इंट्रोडक्शन ऑफ डेटाबेस में भी आसानी से लिख सकते हो, ठीक है। तो कंपोनेंट डेटाबेस में हार्डवेयर, सॉफ्टवेयर, डेटा, डेटा में कौन सा टाइप को रखना होता है, मेटा डेटा, ठीक है, जहाँ पर आपके पास एक टेबल स्टोर है और उसमें से आप एक डेटा निकाल के दे रहे हो, दैट इज मेटा डेटा। प्रोसीजर मतलब काम करने का तरीका। डेटाबेस को जब आप यूज़ करते हैं तो एक बिल्कुल सही तरीके से आपको यूज़ करना पड़ता है। कुछ जैसे फेसबुक है, तो फेसबुक को जब आप यूज़ करना चाहते हैं तो उसमें यूज़र आईडी पासवर्ड डालना पड़ता है। मीन्स एक डेटाबेस पे काम कर रहे हो, लॉगिन आपने किया, अपना वर्क कंप्लीट करने के बाद आपने उसको लॉग आउट भी किया है। डेटाबेस एक्सेस लैंग्वेज का मतलब ये है कि जब आप डेटाबेस को आप यूज़ करोगे तो उसमें आपको कुछ कमांड्स का यूज़ करना पड़ेगा, डेटा को इंसर्ट करने के लिए, डेटा को डिलीट करने के लिए, मैनेज करने के लिए, होल्ड करने के लिए, रीनेम करने के लिए, टेबल को कंट्रोल करने के लिए। तो ये सारी कमांड्स हम यूज़ करते हैं डेटाबेस में। आई होप आपको कंपोनेंट ऑफ डेटाबेस उस टॉपिक क्लियर हुआ होगा, और डेटाबेस रिलेटेड नेक्स्ट टॉपिक हम आपके लिए जल्द से जल्द लेके आएंगे। थैंक यू।